प्यारे बच्चों नमस्कार। हम नौवीं कक्षा के अंतर्गत कवित्री लल यद द्वारा रचित वाक पढ़ रहे हैं। आज हम दूसरे वाक की सप्रसंग व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर खाना अर्थात सांसारिक साधनों को भोगना, कुछ पाएगा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा। यानी कवित्री मनुष्य को चेतावनी देती हुई कहती है कि हे मनुष्य, सांसारिक साधनों को अर्थात सुख सुविधाओं को भोगने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, इस पंक्ति का भाव है कि यदि तुम सांसारिक साधनों को एकत्रित करोगे या धन दौलत जोड़ोगे तो तुम्हारे मन में अहंकार की भावना उत्पन्न होगी। समखा तभी होगा संभावी। समखा का अर्थ है इंद्रियों को वश में रखना, तभी होगा संभावी। संभावी का अर्थ है समानता की भावना। तुम अपनी इंद्रियों को वश में करो और ईश्वर में ध्यान लगाओ तथा सभी सांसारिक साधनों के प्रति समानता की भावना रखो। खुलेगी साकल बंद द्वार की। ऐसा करने से तुम्हारी चेतना का विकास होगा और तुम्हारी मुक्ति के द्वार जो बंद पड़े हैं उन मुक्ति के बंद द्वारों की साकल स्वयं खुल जाएगी। धन्यवाद।